वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। यहां हम आपको बताते चले कि पूरे देश के साथ साथ भारतीय सिनेमा जगत भी इस वक्त कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। एक बार फिर देश के करीब करीब सभी सिनेमा घरों पर ताला लग गया है। बीते साल की तरह इस साल भी देश लॉकडाउन की स्थिति में जा चुका है। ऐसे में रिलीज होने वाली फिल्मों पर भी अब ब्रेक लग गया है। कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद खुले सिनेमा घरों में लौटी रौनक को देखते हुए कई फिल्म निर्माताओं ने अपनी अपनी फिल्मों की नई रिलीज डेट का ऐलान करना शुरू कर दिया था। इसमें रामचरण जूनियर, NTR स्टारर निर्देशक राज मौली की फिल्म RRR, अल्लू अर्जुन की पुष्पा, यश की KGF 2 और टॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम का भी नाम है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम तय वक्त पर सिनेमा घर नहीं पहुंचने वाली है। यह फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होनी थी। खबरों की माने तो इस फिल्म को निर्माता निर्देशक अब देश में फैली कोरोना वायरस की मार को देखते हुए फिलहाल रिलीज नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद यह फिल्म अब जुलाई नहीं बल्कि इस साल दशहरे के मौके पर रिलीज हो सकती है। जबकि अभी तक के प्लान के मुताबिक इस दशहरे सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने की तैयारी में खड़ी निर्देशक SS राजमौली की फिल्म RRR पर अब अगले साल ही रिलीज हो पाएगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।